रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात विभाग ने बुधवार की दोपहर अभियान चलाया था। इस बीच रेलकर्मी की कार का चालान करने पर एसपी ट्रैफिक और रेल कर्मियों में विवाद हो गया। नाराज रेल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सड़क पर आ गए। इस दौरान एक रेलकर्मी ने रेल रोकने तक की चेतावनी दे डाली। यातायात पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर रेल अधिकारियों को भेज दिया है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ बुधवार को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा अपने सहयोगियों के साथ अभियान पर निकले थे। इसी दौरान रेलवे रोड पर 8 वाहन सड़क पर खड़े मिले, जिनमें कुछ वाहनों को यार्ड में भेजा गया और कुछ वाहनों का चालान किया गया। वहीं कार्रवाई की जद में एक रेलकर्मी की कार भी आ गई। इसकी सूचना पाते ही रेलकर्मी बाहर आ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान एसपी ट्रैफिक से उनकी नोकझोंक भी हुई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमा में लगे पंडाल में आने जाने वाले श्रद्धालु और आम जनमानस की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन रोड पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 वाहनों को लावारिस में दाखिल किया गया है और 10 वाहनों का चालान किया गया है। वहीं एक रेलकर्मी की कार का चालान करने पर कुछ लोग उलझ गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, चलिए आप पेनल्टी बात गांधी जयंती बनाने के लिए नीचे करो, चलिए हट जाइए आप लोग। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति से लेकर ये इसीलिए लोग चालान कर रहे हैं भैया, इसीलिए ये चालान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। चालान करेंगे हम लोग, कल फिर खड़े हो जाएंगे और और क्या होगा, तो यही तो हम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। चालान ही तो करेंगे, या कि जो फाजी थोड़ी दे रही है। चलिए गाड़ी नंबर बताइए, ऐसे मत करो, अपने आप घूमता रहे, क्या करूँ। चलिए ठीक है, बॉस की ऐसा मत करिए कि रेल का चक्का जाम करने पर आप बनेंगे स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं, आप सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र बंद कर ही देंगे। रेल बंद होगी तो पता चल जाएगा, रेल एक घंटे बंद होगी तो अभी सबको पता चल जाएगा, क्या पता चल कौन अन्याय कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। यहाँ पर पूरा कार्य पूरा तो कार्रवाई हो तो रही है का पार्किंग पूरा जाम। एक्चुअली दुर्गा पूजन चल रहा है तो कई जगह पे पंडाल लगे हुए हैं। पंडाल लगने में जनता को सुविधा देने के लिए और श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास में हैं, और जहाँ पे भी शिकायतें सुनाई पड़ रही हैं वहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में रेलवे स्टेशन के सामने 3 बड़े बड़े पंडाल हैं, और जिससे वहाँ पर आवागमन थोड़ा व्यवधान सा रहता है, उसे दृष्टि रखते हुए हम लोग गए थे वहाँ पर। तो एक व्यक्ति जो है उसकी गाड़ी बीच रोड में खड़ी, तो उसका चालान करने के लिए हम लोग चालान किया, तो उसी में वो जो है मतलब उनको आवेश आ गया, वो आवेश में इस प्रकार की बात करने लगे कि हम रेल का चक्का जाम कर देंगे। तो उनके इस प्रकार की बातों को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनका चालान कर दिया, और वो आएंगे अपना चालान छुड़वाएंगे आकर। पहले वो बताते हैं लोग कि वो रिटायर्ड कोई ए के सिंह हैं जो TT से रिटायर हुए हैं और वहाँ पर यूनियन में आते जाते रहते हैं, अन्यथा जो यही जानकारी है हमको।